पंजाब में यूपी के नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में एक्सपायर हो चुकी है। इधर यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने मुख्तार अंसारी की लग्जरी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि ये मामूली एम्बुलेंस नहीं बल्कि मुख्तार का चलता फिरता किला है। ब्रिजलाल के मुताबिक इस एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी अपने कारनामों को अंजाम देता रहा है। इस एम्बुलेंस में सैटेलाइट फोन, हथियार, असलहे और गुर्गे भी रहते हैं। यही नहीं, एम्बुलेंस का ड्राइवर मोहम्मदाबाद का रहने वाला सलीम भी मुख्तार का बेहद करीबी है। यह एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में भी जेल के बाहर खड़ी रहती थी, जिसके साथ आगे पीछे गाड़ी से गुर्गे भी चलते थे। बता दें, पंजाब में मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी के नंबर की एम्बुलेंस से पहुँचे थे। पता चला है कि जिस अस्पताल के नाम से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन है वह मौजूद ही नहीं है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की मियाद साल 2015 में ही ख़त्म हो चुकी है। एम्बुलेंस की फिटनेस भी साल 2017 में एक्सपायर हो चुकी है। बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग के पास भी एम्बुलेंस को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यूपी में एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का बयान है कि मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल से नहीं जुड़ी है। मुख्तार की इस एम्बुलेंस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस मामले में कांग्रेस और सपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस सरकारों ने मुख्तार अंसारी का समर्थन किया, जिसका परिणाम है कि आज सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया है। वह कैसे निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। एम्बुलेंस एक अस्पताल के नाम पर है। सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार को भी बयान देना चाहिए कि आखिर निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी पंजाब में कैसे कर रहा है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।